I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. हाँ जी आ गए, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रिएटर हनी में। टाइटल आपने देख लिया होगा, मैं आपको बताता हूँ ये किस काम में आती हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाए होते हैं और YouTube पे डाले होते हैं, तो लेकिन ऑडियंस आपसे कैसे बात करे तो वो नहीं पता होता आपको। स्टार्टिंग में, हेडिंग में या फिर आउट में Instagram का इंट्रो डाल दीजिए, उसमें आपकी ID लिखी होगी, तो जो आपसे बात करना चाहते हैं सीधा आपको Instagram पे मैसेज कर देंगे, क्योंकि YouTube पे तो मैसेज नहीं कर सकते ना वो। तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगा, नॉर्मल है, 2 मिनट में आप इंट्रो बना लोगे, अपनी वीडियो के एंड में डालिए और फिर देखिए, सारे फॉलो भी कर लेंगे आपको, YouTube पे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, तो वीडियो में भी अच्छा लगता है ये इंट्रो आप डाल लो। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। अगर नए हो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब कुछ कर दो। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आज संडे स्पेशल है, तो संडे कम समय में ज़्यादा देंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पिक्सआर्ट खोलना है, वहाँ पे प्लस में दबा के आपने, मैंने एक पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आपको अपनी बैकग्राउंड की फ़ोटो डिलीट करनी है, मतलब बैकग्राउंड आपको फ़ोटो में से कैसे हटानी है, वो हटा के यहाँ पे एक फ़ोटो अटैच करके ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे आपको एक सर्कल लेना है, कोई सा भी कलर का ले लो, येलो कलर का मैं ले रहा हूँ। सर्कल लेके इसको हम इसके इमेज के ऊपर ऐसे फेर देंगे, सर्कल बन जाएगा इसका। तो ध्यान रखना, सर्कल पूरा इमेज के बाहर होना चाहिए, मतलब इसका जो सर्कल है आधा हेड के ऊपर हो, आधा हेड के नीचे हो, तो ये तभी लगेगा कि सर्कल से थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, तो ये अच्छा लुक देता है DP जब ऐसी बनती है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, हाँ इतना ठीक है। इतने में आप जैसे ही कर लेंगे, उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन से इरेज कर देना है, थोड़ा सा इसका साइज कम लेना है, 59 ले लेंगे, ये देखो। तो जहाँ जहाँ पे सिर पे लाइन आई हुई थी वहाँ से आपने डिलीट कर देना है, ताकि ऐसे लगे कि सर्कल से बाहर जा रहा है। जैसे ही कर लेंगे इसको, फिर सेव कर लेंगे। उसके बाद हमने खोलना है इरेजर, उसमें एक फ़ोटो ये ऐड कर देनी है जो लेटेस्ट आपने बनाई है। अब क्या करना है, साइड का पार्ट डिलीट कर देना है, ऑटो पे जाना है, इधर क्लिक करना है वो, ये मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में भी सिखाया हुआ है, वो आप देख लेना, नहीं तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। साइड का पार्ट सारा डिलीट कर देना है, तो ये सिर्फ सर्कल रह जाएगा आपका। देखिए 1 मिनट में ये बन गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको। उसके बाद हमने खोलना है काइन मास्टर। सबसे पहले ये इंट्रो ले लेनी है हमने, इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। ये देखिए ऐसे चल रही है ये, तो यहाँ पे जैसे ही ऊपर जाने लगेगा, यहाँ पे आपको अपनी वो वाली PNG पिक डाउन अपलोड कर देनी है। यहाँ से हमने इरेजर से पिक अपलोड करनी है, यहाँ पे रख देनी है, थोड़ी छोटी जैसे भी करनी है। इन एनिमेशन में जाके इस पर हमने रखना है वाइप अप। ये वाइप अप किया, जैसे ही इंस्टाग्राम ऊपर जाएगा ये ऐसे ही साथ साथ चलेगा, ये देखो आ गया ये। थोड़ा सा ये जब पूरा खुल जाएगा, उसके बाद हमने दोबारा एक लेयर ले लेनी है यहाँ पे, जब आधा रह जाएगा नीचे अपने इंस्टाग्राम ID का वो लिख देना है, यूज़र नेम। आइकन कोई अट्रैक्टिव सा रखना, ताकि वो पढ़ा जाए, छोटा ना हो बिल्कुल भी। ब्लैक कलर का रख देना इसको, क्योंकि वाइट पर ब्लैक अच्छा शो करता है। इस पर भी हम वही वाला ले लेंगे वाइप अप। ये वाइप अप लिया, अब देखो मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ये किया, साथ ही आपका नेम आ जाएगा, ये हो गया। एंड वाला पार्ट सारा डिलीट कर देना है, जितना ही ऊपर वाली वीडियो थी उतना ही रखना है। साइड वाली सीजर से इसको कट कर देना है। अब ये क्या करना है, आउट एनिमेशन में इसको रख देना है वाइप अप, ताकि जब ये ऊपर दिखे तो ये साथ के साथ गायब भी हो जाए। टेक्स्ट में भी ऐसे ही करना है, तो ये प्ले ऐसे होगा। ये था, कुछ ही देर में आप इंट्रो बना लोगे, कोई सी भी वीडियो बना रहे हो उसके स्टार्टिंग में डालो या एंड में डालो, और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम कहीं पे भी डाल दो। अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।